हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू टारगेट अभी प्लेटफॉर्म आज आप सभी लोगों के सामने आई हूँ मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करने सो so, जैसा कि आपको पता है और जैसा कि आ, हमारा प्लेटफॉर्म डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको करवाता है राइट आपने ये चीज़ हमेशा देखी होगी और एक्सपीरियंस करी होगी और इस चीज के बारे में आप अच्छे तरीके से जागरूक हैं वो ये बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्जामिनेशन एक में पूछा जा रहा है बिल्कुल बेसिक लेवल से राइट सो so, कुछ चीजें हैं जो आपको कंप्यूटर के बारे में आनी ही चाहिए नो मैटर आप कौन सा एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अभी रीसेंट टाइम्स में ही एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आउट हुई है दैट इज़ इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक के रूप में सो so, ये वैकेंसी का नंबर काफ़ी ज़्यादा है अराउंड थ्री थाउजेंड वेकेंसीज आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में इस एग्जामिनेशन की सबसे खास बात ये है कि इसमें कहीं तक भी आपको मेन्स एग्जामिनेशन नहीं लिखना पड़ेगा इंटरव्यू जैसा कोई भी सीन नहीं है सीधी सी बात है ठीक है रिटर्न क्लियर करो उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट क्लियर करो एंड यू विल बी थ्रू यू विल गेट योर सीट राइट आप लोगों की एक सीट रिजर्व हो जाएगी जिसके अंदर आप जाके फटाफट से जॉइनिंग ले सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं उसमें राइट सो डिफरेंट एग्जामिनेशन चाहे वो राजस्थान गवर्मेंट को हमारे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो नो मैटर वार्ड या फिर आपके एजुकेशन सेक्टर के हो के बी एस एन बी एस कोई भी एग्जामिनेशन यू जी की अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जो कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछ

टारगेट पीसीएस ऋषि अगेन वैष्णवी नरगिस पुष्पा अभी अविशान ओके राइट सो सभी लोगों को सभी लोगों का स्वागत है वेरी वेरी गुड इवनिंग इस प्लेटफॉर्म पे राइट right. शुरू करेंगे हम लोग कंप्यूटर की जर्नी बिल्कुल बेसिक्स से एक कंप्यूटर एग्जैक्टली करता क्या है उसके पार्ट में आएगा क्या क्या चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कंप्यूटर का जो पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में वो आपका आता है वन ऑफ द सेक्शन दैट इज नोन एज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है राइट right. सबसे पहले कंप्यूटर बना तो बना क्या क्या चीज़ सबसे पहले आई ठीक है क्योंकि आप लोगों को बेसिक चीज़ पता है कि कंप्यूटर हमारे पास में गणना के लिए काम में लिया जाता है ठीक है आज के डेट में हमारे पास जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है चाहे आपका मोबाइल हो गया आप लोग स्मार्टफोन अभी यूज़ कर रहे होंगे ठीक है चाहे आप लोग किसी भी तरह का डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह का लैपटॉप अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं गणना के लिए हज़ार तरीके की बेसिकली चीज़ें यूज़ की जा रही हैं उन सब का काम क्या है कैलकुलेशन करना ठीक है सो कैलकुलेशन वॉज द पर्पज जिसके लिए कंप्यूटर हमें देखने को मिला था सौरभ जी पूछ रहे हैं गुड इवनिंग मैम मैम डी एस डी दी ट्रिपल एस बी के पेपर में भी कंप्यूटर आएगा प्लीज़ बताइए ठीक है एक बार चेक करके मैं आपको बता दूंगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में भी डेफिनेटली समझाया जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कुछ टर्म्स ऐसी हैं स्टूडेंट्स जिसको आप प्लीज़ इंग्लिश में ही पढ़िएगा क्योंकि उसका हिंदी टर्म नहीं है जैसे एलगोरिदम एक टर्म हो गई वो इंग्लिश में भी एलगोरिदम ही है और हिंदी में भी एल्गोरिदम है ठीक है सो आज के टर्म जो बेसिकली है वो सारे आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे लेकिन जब भी हम थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट पे चलेंगे क्योंकि आज बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें देखने वाले हैं जब भी हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट में पढ़ेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें आ सकती हैं क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा राइट वो बेसिकली हम लोग डिसाइड करेंगे ठीक है ओके सो so, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजिएगा सेशन को शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ में जो लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्यूटर जिसमें आएगा ठीक है शेयर कर दीजिएगा सेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए बात करते हैं आज के सेशन की सो so, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपको दिखना है क्या फंक्शनैलिटी एक कंप्यूटर की क्या क्या फंक्शनैलिटी है ठीक है फंक्शन करने का क्या रोल है ओके okay, वहां से हम लोग शुरू करें एकदम स्क्रैच से बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल आ, बेसिकली झिझकने वाली बात नहीं है एक कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है सो so, मैं आप लोगों को आसान शब्दों में आ, बेसिकली समझाने की कोशिश कर रही हूं तीन चार स्टेप्स हैं कंप्यूटर के बारे में आप कभी भी पढ़ते तो इन तीन चार स्टेप्स के अराउंड ही कंप्यूटर का, का काम चलता है कंप्यूटर का आप कोई ना कोई इनपुट देते हैं सो so, कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर खोला है और उसमें आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं प्लस करना चाहते हैं किसको प्लस करना चाहते हैं मान लीजिए टू प्लस फाइव आप लोग करना चाहते हैं और आपको पता करना है कि यार इसका रिजल्ट आएगा तो आएगा क्या ठीक है सो ये एक गणना करने के लिए आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करा मान लीजिए फॉर दैट मैटर आपने कैलकुलेटर निकाल लिया अपने अपने फोन में ठीक है कैलकुलेटर आपने निकाल लिया अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है आगे आ क्या करेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका कंप्यूटर करता है वो क्या करता है इनपुट लेता है टेक डेटा एज इनपुट सो टू प्लस थ्री एक तरह का डेटा हो गया उसको आप इनपुट डालेंगे उसमें इनपुट डालेंगे कंप्यूटर में सो so, डेटा लेगा एज ए इनपुट स्टोर करता है डेटा को या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने उसको दिया कि यार यहां से यहां मूव करवा दीजिएगा चीज़ को चीज़ों को यहाँ से कट करके कॉपी कौ कर लीजिएगा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा कुछ भी वो सारे आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए जो आप लोग देते रहते हैं कंप्यूटर को सो so, स्टोर करता है इस तरह के डेटा को जैसे टू प्लस फाइव एक तरह का डेटा है ठीक है जिसमें आप लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्लस करने का अपनी मेमोरी में करेगा ऑफकोर्स एंड यूज़ दैम एज रिक्वायर्ड ज़रूरत होगी तो उसको इस्तेमाल करेगा डेफिनेटली प्रोसेस करेगा डेटा को डेटा की प्रोसेसिंग करता है कन्वर्ट करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे टू प्लस फाइव का सेंस क्रिएट करके उसने सेवन आपको दे दिया ठीक है एंड देन आपको जनरेट करके देगा आउटपुट देन वो क्या करता है इन्हीं सारे चार स्टेप को कंट्रोल करता है टाइम एंड अगेन फॉर योर पर्पज फॉर वॉट वर्ड योर पर्पज टू कैलकुलेट समथिंग इट्स सिंपल एकदम सिंपल सी चीज़ है दो वर्ड को आप दो वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक तो वर्ड देख पा रहे होंगे डेटा और एक वर्ड देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन ओके सो जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं वो हम लोग डेटा उसको देते हैं एज अ इनपुट ठीक है कंप्यूटर जो भी चीज़ हमें जनरेट करके देता है आउटपुट जो देता है वो बन जाता है हमारे पास में इंफॉर्मेशन सो एवरीथिंग जो हम लोग अपने आसपास देख पा रहे हैं वो डेटा के फॉर्मेट में है एक रॉ फॉर्मेट में है अगर आप उसको प्रोसेस करते हैं उसको मेन्यूपुलेट करने की कोशिश करते हैं उससे कोई ना कोई सेंस निकलवाने की कोशिश करते हैं देन वो बन जाता है क्या इंफॉर्मेशन सो इन्फॉर्मेशन इज समथिंग दैट मेक सेंस डेटा इज समथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस वो एक रॉ फॉर्मेट में वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है ऑन दी अदर हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है उससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं मतलब निकलवा सकते हैं कि ये चीज कहना क्या चाह रही है वो होती है इंफॉर्मेशन डेटा क्या कहना जा रहा है वो सेंस क्रिएट नहीं करता है ठीक है so, कुछ भी आप चीजें लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रही हूं सिंपल सी बात ये मैंने कंप्यूटर को दे दिया ठीक है so, सो मैंने उसको डेटा पास किया इज इट मेकिंग सेंस ये कुछ सेंस क्रिएट कर रहा है आपको इसका कोई मतलब समझ पा रहा है आप कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे वन टू फोर फाइव पता नहीं क्या लिखा हुआ है कौन से नंबर लिखे हुए हैं इनका कोई सेंस भी नहीं है ठीक है लेकिन मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूँ कि भाई इसको सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में इसको आरोही क्रम में बेसिकली व्यवस्थित कर दिया जाए अगर ये चीज़ बोली जाए उसको ठीक है तो वन 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 देन टू आएगा देन क्या आएगा मेरे पास में फोर आ जाएगा स्टूडेंट्स देन फाइव टू टाइम्स है फाइव आ जाएगा देन सिक्स सेवन एट एंड नाइन ओके नाउ इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन दिस इज समथिंग जो हमने इनपुट में डाला ओके okay? उसको प्रोसेस किया उसमें कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म किया कंप्यूटर ने और उसको आउटपुट आपको दे दिया जो कि एक इन्फॉर्मेशन बन चुका है सो so, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर काम करता है जैसे कि मैंने बोला डेटा आप बेसिकली आप लोग उसको डेटा देंगे किसको कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो प्रोसेस करता है ठीक है प्रोसेस करने के बीच में वो स्टोरेज आपका कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है और आउटपुट देकर वो इन्फॉर्मेशन निकाल देगा सिंपल सी चीज़ ठीक है right? राइट विवेक जी अभी आपको कुछ टर्म्स है जो इसी में पढ़नी पड़ेंगे ठीक है इसी में वो टर्म्स पूछ जाएंगे प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ही रहेगा इनपुट इनपुट ही रहेगा ठीक है सो वो सारी चीज़ों के अभी ऊपर अभी हम ध्यान दे रहे हैं सो so, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है डेटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर ने डेटा लिया इनपुट के तौर पे प्रोसेस किया स्टोरेज का काम आ, उसमें बेसिकली बीच में आ सकता है और आउटपुट आप को इंफॉर्मेशन के रूप में दे दिया है इस पूरे जॉब को इस पूरे रोल को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है ठीक है सिंपल सी बात कंप्यूटर एक तरह के मॉडल पे काम करता है ठीक है दैट इज योर इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल जैसा कि मैंने आपको कहा डेटा एज अ इनपुट लेगा प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा सो so, इस मॉडल को हम लोग क्या बोल सकते हैं आई पी ओ मॉडल ठीक है यहाँ पे आई थिंक आपका के वी एस से क्वेश्चन पूछा गया था आई पी ओ मॉडल से जिन भी लोगों ने KVS के वी एस के एग्जामिनेशन लिखे मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आई पी ओ बेस्ड कोई क्वेश्चन था आप लोगों को देखा था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का बेसिकली मेरे पास आया था मैसेज कि मैम आई पी ओ के ऊपर क्वेश्चन था सो so, ये इसके एक इम्पॉटेंट चीज़ है राइट कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा जैसे मैंने बोला कंप्यूटर के इनपुट को डेटा बोलते हैं आउटपुट ऑप्टेन फ्रॉम आफ्टर प्रोसेसिंग इट इसको प्रोसेस करके आप आउटपुट निकालेंगे बेस्ड ऑन द यूज़र इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए उसके बेसिस पे उसको जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए राइट right? इनपुट ले लिया आउटपुट दे दिया देन इट बिकम्स अ इफॉर्मेशन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज टू ऑपटेंड इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड डेटा जो चीज़ मैंने बोली है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं वो आपकी डेटा कहलाते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग वो इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं सो so एक क्वेश्चन यहाँ पे आप, आपका आ सकता है कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है ठीक है तो वो ये चीज़ हो गई आई पे क्वेश्चन था राइट right? इट्स इनपुट प्रोसेसिंग और यू कैन से प्रोसेस एंड योर आउटपुट दैट इज आई प्यो मॉडल ठीक है राइट कि इनपुट लेता है प्रोसेस लेता है आउटपुट लेता है इसके अलावा कोई भी अगर चौथा शब्द होगा तो वो आपके ऑर्ड वन आउट में आप लोग उसको पिक करके हटा देंगे ठीक है अब आगे की चीजें बढ़ते हैं प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हैं इनपुट होता है आउटपुट होता है समझ गए प्रोसेसिंग के बारे में क्या खास है दी प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाई टू डेटा आर ऑफ टू टाइप्स दो तरह की प्रोसेस होती है जो कि आप अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं लगाते हैं एक होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन इसको आप इसी तरह पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन तभी क्वेश्चन सही होगा एकदम अगर आप टिपिकल हिंदी में पढ़ेंगे इसको तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ठीक है ओके जो चीज़ हिंदी में होगी मैं डेफिनेटली उसको लेके आऊंगी जैसे कि हम लोग बाद में शुरू करेंगे कुछ चीज़ें की लैंग्वेज जो होगी ना वो आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं कंप्यूटर का टेक्निकल टर्म बेसिकली क्या होता है आप लोगों का इंग्लिश में होगा और उसी को हिंदी में इसी को अर्थमेटिक ऐसे लिखा जाएगा भाई ठीक है बस और कुछ नहीं हिंदी में तो लिखना आता ही आपको राइट ओके बाइनरी कोड में ये लेते हैं आंसर हमारे लैंग्वेज में दे देते हैं बिल्कुल सही बात ठीक है वो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तब मैं आपको पी और ज़्यादा क्लियर करा दूंगी वो कि कंप्यूटर के लैंग्वेजेस क्या हैं हमारे लैंग्वेजेस क्या हैं वो हम डेफिनेटली लैंग्वेज में पढ़ेंगे ठीक है सो कंप्यूटर के पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक्स से क्या मतलब है ठीक है सीधी सी बात अर्थमेटिक्स इज समथिंग जहाँ पर आप लोगों का एडिशन हो रहा है सब्सट्रैक्शन आप लोग करते हैं प्लस करते हैं माइनस करते हैं ठीक है गुणा भाग करते हैं ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं डिफ्रेंशियट आप लोग करते हैं ठीक है डिफरेंशियेशन ठीक है राइट जो आप लोगों ने मैथ्स में किए होंगे स्क्वायर रूट कर रहे हैं किसी का या फिर किसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं ठीक है थीके? ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन के एग्जाम्पल है इसके अलावा और क्या चीज होती है ध्यान दीजिएगा इसके अलावा होता है लॉजिकल जहां पे लॉजिक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ये बड़ा है कि ये छोटा है ठीक है

ये आप लोगों का एक लॉजिकल ऑपरेशन है यहां पे लॉजिक लगेगा भाई सिंपल सी बात है दैट इज कंपेरिजन हो रहा है क्या पांच बड़ा और इक्वल है फोर्स है कंप्यूटर को यह भी तो सोचना पड़ेगा ना कि बड़ा या इक्वल फोर्स है तो वो सारी चीजें आपके लॉजिकल ऑपरेशंस में हो जाएंगी जहां पे आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं लाइक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ऑपोजिट इसका ऑपोजिट क्या होगा सिंपल सी चीज है ठीक है ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेशन में होता थी तो कंप्यूटर कंप्यूटर uh, के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है कि विच प्रोसेस uh, में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं एक अर्थमेटिक होता है एक लॉजिकल होता है अर्थमेटिक में क्या आएगा लॉजिकल में क्या आएगा सिंपल वो आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई भी लैंग्वेज इसकी बना सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको डिफिकल्टी होगी ठीक है ओके लिस्टिंग ऑफ फेवरेट म्यूजिक करेंगे उसके बारे में बात करेंगे सिंपॉजी करेंगे बिल्कुल बात करेंगे टेंशन मत लो ठीक है राइट सो डेटा प्रोसेसिंग में एक इनपुट यूनिट होगी एक कंट्रोल यूनिट हमारे पास में आ रही है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ रही है ठीक है एंड देन आउटपुट यूनिट आ रही है ठीक है ये अपने मेजर पार्ट हो गए व्हाट एल्स अबाउट द कंप्यूटर लेट्स टॉक अबाउट दैट सो बेसिक टाइप्स ऑफ बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के बेसिक पार्ट है कुछ इनपुट यूनिट्स होंगी इसमें क्या होंगे डिवाइज डिवाइजेस लाइक कीबोर्ड कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस आप इनपुट देते हैं उससे वन टू थ्री फोर टाइप फोर आपने बेसिकली टाइप किया है आपने इनपुट दिया उसको ठीक है सो एक तरह की इनपुट यूनिट हो गए ठीक है माउस हो गया माउस से क्लिक करते हैं ना आप लोग ठीक है राइट right? मैं जैसे इस माइक का इस्तेमाल कर रही हूँ मेरी आवाज़ इसमें जा रही है ये मेरी आवाज़ एज अ इनपुट ले रहा है ठीक है तो ये मेरे लिए इनपुट डिवाइस हो गई ठीक है की हमारे लिए इनपुट डिवाइस हो गया माउस हमारे लिए इनपुट डिवाइस हो गई तो डिवाइस लाइक की बोर्ड माउस दैट आर यूज टू इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शंस ठीक है कोई भी डेटा आप लोग डाल सकते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन यहां जाइए वहां जाइए राइट जैसे कि आप माउस से करते हैं यहां पे चले जाइए उसके ऊपर क्लिक कर दिया इंस्ट्रक्शन दिया आपने उसको ठीक है या फिर आप उसमें कोई भी डेटा डाल सकते हैं जैसे की में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैंने डेटा डाला है सिंपल सी चीज टू तो दी कंप्यूटर आर कॉल इनपुट यूनिट्स जो इनपुट लेते हैं वो इनपुट यूनिट कहलाते हैं इसका ऑपोजिट जो आउटपुट दे रहे हैं जैसे कि आप लोग अभी मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे अपने फोन पे मेरी आवाज आपको आ रही होगी वो आउटपुट आ रहा है आपके कंप्यूटर आपके फोन के स्क्रीन पे ठीक है अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिख रहा है ये लेक्चर राइट सो so, डिवाइस लाइक प्रिंटर प्रिंटर प्रिंट करके दे देता है तो प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस डिवाइस लाइक विजुअल डिस्प्ले जैसे कि आप लोगों के फोन का विजुअल डिस्प्ले है ठीक है टच स्क्रीन फोन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे डेफिनेटली एक डिस्प्ले जिसको विजुअली देख पा रहे हैं आप लोग ठीक है सो दैट इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट सिंपल सी चीज ठीक है आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर इन द डिजायर फॉर्मेट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस ठीक है आपकी जैसी मर्जी होगी वैसे आपको दे देगा आउटपुट डिवाइस आपकी इन्फॉर्मेशन वापस सिंपल सी चीज लेट्स टॉक अबाउट मोर थिंग्स दैट आर कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एक होता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट <coughs> दो चीजें हैं सीपीयू के दो पार्ट हैं एक होता है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने के लिए और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या मतलब है दोनों का इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछाते हैं अभी तक भी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कंफ्यूजन होता है कोई दिक्कत नहीं है अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं एज अ नेम सजेस्ट दिस यूनिट कंट्रोल दी फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर को क्या करना है इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट बेसिकली काम आएगी ठीक है कंट्रोल यूनिट की जॉब क्या है उसका काम क्या है टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ प्रोवाइड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर दैट्स इट ओके ऑल डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इंटरैक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट ठीक है एक पार्ट है उसको दूसरे पार्ट से बातचीत करनी है कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल यूनिट उसमें मदद करेगी बेसिकली कंप्यूटर का वो काम करवाने के लिए वॉट अबाउट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक का मतलब ये हम समझ के आए अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेर ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन टेक प्लेस कोई सी चीज एज अ डेटा जाएगी फाइव प्लस फोर्थ अर्थमेटिक फाइव ग्रेटर देन इज यूक टू फोर लॉजिक जहां पे कंपैरिजन करना है लॉजिकल यूनिट ठीक है सो लॉजिक ऑपरेशंस एज वेल एज अर्थमेटिक ऑपरेशंस दोनों ही काम किसके द्वारा किए जाते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं ठीक है सिंपल सी बात है और इन दोनों से ही मिलके बना होता है हमारा सीपीयू तो सीपीयू के अंदर दो चीज आती है कंट्रोल यूनिट एज वेल एज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है सो तीन चीजें आपके यहां पर पूरी हो चुकी है याद में रखिएगा सीपीयू में आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस योर कंट्रोल यूनिट सी यू ठीक है सो सी यू फुल फॉर्म आ सकती है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी यू विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर यह पूछा जा सकता है आप लोग बोल देंगे कंट्रोल यूनिट ये पूछा जा सकता है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एल यू विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर आप बोल देंगे इट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीपी यू के फुल फॉर्म क्या विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर आप लोग बोल देंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट

कर पाते हैं अगर मुझे मेरा हाथ यूं हिलाना है मेरे दिमाग ने बेसिकली मेरे हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे हाथ ऐसा हिलाना है सिंपल सी चीज है ठीक है और कोई भी चीज नहीं है वैसे ही सीपी यू ओवरऑल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर माना जा सकता है इन दोनों में अगर आप बात करेंगे तो लॉजिकल यूनिट इज कंसर्ड एज योर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से आपके छोटे छोटे दो दो नंबर के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बेसिकली आजकल किसी के गलत नहीं होते सो so, मैं भी नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स की गलत हो चलिए बात करते हैं एक और लास्ट पार्ट ऑफ दी कंप्यूटर जो कि होता है हमारे पास मेमोरी जैसे कि हम लोग कुछ भी करते हैं हमारे पास एक मेमोरी ठीक है, है? जैसे कि बचपन में एक एखे गहना सीखा था वो आज तक भी हम हमें याद क्यों है क्योंकि हम लोगों के वो मेमोरी में फ़िट है ठीक है आप अपने पेरेंट्स को अपने सिबलिंग्स को अपने भाई बहनों को अच्छे से जानते हैं उनकी शक्लें पहचानते हैं ठीक है राइट क्यों पहचानते हैं क्योंकि आपको याद है आप उनके साथ बड़े हुए हैं यस और नो ठीक है वो आपकी मेमोरी में फिट हैं बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ एकदम रॉ ठीक है कि जैसे आपके सीरियल्स में किसी की याददाश्त चले जाती है तो उसको समझ में नहीं आता आप है कौन आप है तो है कौन ठीक है तो मेमोरी लॉस हो चुका है वैसे कंप्यूटर के पास में भी मेमोरी होती है राइट जो कि बेसिकली जो चीज है हमें कंप्यूटर को याद रखवानी है ठीक है वो हम लोग मेमोरी में डालते हैं ठीक है राइट सो पी जी बोल रही है क्लास डेली चलेगी क्या बिल्कुल चलेगी ठीक है इसी टाइम पे रहेगी क्लास में के टाइम में अगर कोई भी वेरिएशन होता है वो आपको बता दिया जाएगा अभी तो ये क्ला बेसिकली जो क्लास है उसे वो बिन ओ क्लाक डेली बेसिस पे आपके एक घंटे की क्लास चलेगी जिसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से और एकदम आसान शब्दों में आपको कंप्यूटर समझाने की कोशिश करूंगी और कोशिश करेंगे कोई भी टॉपिक आपके यहाँ के सेशन से बाहर ना जाए किसी भी एग्जामिनेशन में क्योंकि हर एग्जामिनेशन का सेम पैटर्न होता है सेम चीजें पूछी जाती हैं राइट और उन सभी पैटर्न को रीड कर करके चीज समझ में आ गया कि बेसिक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और एकदम कंसेप्चुअल आते हैं ठीक है काफी लोग रट लेते हैं ये ये हो जाएगा ये ये हो जाएगा लेकिन वो वो क्यों है ये चीज अगर आपको पता होगी तो आपकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा होगी तो मेमोरी के बारे में क्या कहना है ऑल इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एंट्रेम टू दी प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी जो भी बेसिकली आप लोगों का डेटा हम लोग दे रहे हैं अगर मुझे उसको स्टोर करवाना है तो उसके लिए देर इज़ अ टर्म कॉल्ड मैमोरी ठीक है जैसे हमारी मेमोरी वैसे कंप्यूटर की भी मैमरी है दैट्स इट मैमरी आर ऑफ टू टाइप्स जनरली हम लोग मैमरी को दो टाइप्स में देखते हैं जनरली ठीक है इसके और भी हम लोग टाइप बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मैमरी हरारकी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है दर इज अ प्राइमरी मेमरी दर इज अ सेकेंडरी मेमरी ठीक है सिंपल सी चीज़ सो प्राइमरी मेमोरी रिसाइड विद दी पी सी यू सीपीयू सॉरी ठीक है सो प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी क्यों बोलते हैं क्योंकि वो सीपीयू के अंदर होती है ठीक है आपके मदर बोर्ड उस पर होती है राइट right? देन आप लोगों का सेकेंडरी मेमोरी होती है विच इज एक्सटर्नल टू इट एक्सटर्नल टू वॉट एक्सटर्नल टू कंप्यूटर ठीक है कोई भी चीज अगर कंप्यूटर को स्टोर करनी है वो स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल मेमोरी का इस्तेमाल करता है ठीक है कोई भी चीज स्टोर करनी है जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे पूरी की, पूरी की पूरी किताब का एक एक पेज और एक एक लाइन उसमें लिखी हुई स्टोर करनी है ठीक है अगर मैं कंप्यूटर हूँ तो मैं अपने एक्सटर्नल मेमोरी का इस्तेमाल करूँगी ठीक है so, सो जो भी आप लोग फ़ोटोज़ देखते हैं आपकी फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में स्टोर हैं आपकी आपकी बेसिकली वीडियोस होंगे बहुत सारे आप लोगों की मूवीज़ होंगी वो सारी आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं जिसको आप एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के पास में होती है जल्दी काम अगर हमें करवाना है तो हम चीज़ों को प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं और प्राइमरी मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर को फंक्शन करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? सिंपल सी चीज़ प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है उन सब की बातें हम लोग बाद में करेंगे उसके लिए बने रहिएगा ठीक है वो आपके मेमोरी हर के वाले सेशन में देखेंगे आज बेसिकली हम लोग बेसिक कंप्यूटर देख रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं ठीक है सो ये पांचों पार्ट हो गया विच इज़ इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एक टर्म होता है बूटिंग ठीक है इस टर्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ ठीक है सो so, बूटिंग क्या है राइट right? क्या कहते हैं बूटिंग का मतलब क्या होता है लेट्स टॉक अबाउट इट सो स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर की तरह काम करती है या फिर कंप्यूटर ठीक है अगर उसको आप स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए आपने पावर ऑफ कर दिया अपने बटन को मतलब बेसिकली फोन को आप लोग उसका लॉन्ग प्रेस करके उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बूटिंग बूटिंग इज वॉल्ड स्टार्टिंग कंप्यूटर नथिंग एल्स सो बूटिंग बेसिकली दो तीन तरीक़े से काम होती है सबसे पहले आप लोग पावर सप्लाई स्विच ऑफ़ करते हैं पावर सप्लाई बंद कर देते हैं उसकी ठीक है कंप्यूटर ऑन है तो बेसिकली चल रहा है वो उसको बंद करेंगे आप चलती हुई स्टेट में नहीं छोड़ेंगे उसको आप बंद कर देंगे ठीक है देन लोड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू टू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी देन कीपिंग ऑल दी एप्लीकेशन द स्टार्ट रेडीनेस ऑफ द केस नीडेड बाय द यूजर कैसे करता है बूटिंग काम में ठीक है सो so, बेसिकली वो आपके कंप्यूटर को बंद करता है स्विच करता है पावर सप्लाई को एंड कंप्यूटर सिस्टम को लोड करता है एक बार कंप्यूटर बंद कर दिया ठीक है मान लीजिए आपने उसको रीस्टार्ट करा है ठीक है आपने उसको रीस्टार्ट करा है तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा है जैसे कि आप लोग अगर एंड्रॉयड यूज़ करते हैं फोन में तो एंड्रॉड ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ चलेगी पीछे ठीक है स्टार्टिंग सिंबल आएगा फिर पासवर्ड मांगने की चीज़ आएगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के बूटिंग के अंदर आते हैं लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू टू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी मेन मेमोरी से कंप्यूटर आपका लोड होगा देन सारी एप्लीकेशंस रेडी इन द स्टेट मान लीजिए चलाते ही मुझे व्हाट्सएप चलाना है ठीक है तो व्हाट्सएप ऐसा नहीं होगा टाइम ले रहा है दस घंटे वो अपने सभी एप्लीकेशंस को जैसे कि व्हाट्सएप एक तरह के एप्लीकेशन है मुझे व्हाट्सएप चलाना है कंप्यूटर को स्टार्ट करते मेरे अपने फ़ोन को स्टार्ट करते तो वो व्हाट्सएप को स्टेट में रखेगा कि व्हाट्सएप चल जाए ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे बोले कि अभी थोड़े टाइम रुको राइट वो चीज़ नहीं होगी दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बूटिंग ठीक है राइट वी विल रीड अबाउट बूटिंग मोर ठीक है धीरे धीरे हम लोग बोलते रहेंगे थोड़ा और बूटिंग के डीप में बूटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ठीक है मैं आपको आसान शब्दों में बता रही हूँ ठीक है so सो धीरे धीरे हम लोग बूटिंग के बारे में और भी पढ़ते रहेंगे ऑल ओके द फर्स्ट कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन वेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड सबसे पहला जो भी प्रोग्राम रन होता है और जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड बायोस ठीक है बायोस के बारे में क्वेश्चन आता है बायोस के बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि बायोस का मतलब क्या है बायोस की फुल फॉर्म क्या है बायोस होता है तो होता कहाँ है इन सब पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं ठीक है सिंपल सी चीज़ जैसे आई कि की अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की मैं बात करूँ उसमें भी बायोस के ऊपर एक क्वेश्चन है ठीक है कि बायोस आपका होता है तो होता कहाँ पे ठीक है फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं तो बायोस की फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आएगा बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ठीक है सो बायोक एक तरह का फर्म वेयर होता है फर्म वेयर क्या होता है मैं वो बाद में बताऊंगी अभी बताने बताएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसको थोड़ा होल्ड पे रखेगा ठीक है फर्मेयर क्या होता है मैं बताऊंगी इट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर परमानेंटली प्रोग्राम्ड इन टू दी हार्डवेयर ठीक है सो so बेसिकली एक बायोस नाम का इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आप लोगों के ऑलरेडी होता है मेमोरी में कौन सी मेमोरी में होता है प्राइमरी मेमोरी में अब मैडम प्राइमरी मेमोरी तो दो टाइप की होती है राम होती है रोम होती है राइट ये क्या होता है रोम में होता है ठीक है जिसमें आप लोगों का कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन होता है भाई कंप्यूटर कैसे शुरू होगा फोन कैसे शुरू होगा ये है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर शुरू होते है, पता रहता है ना उसको तो कैसे शुरू होना है ये आपका होता है रोम में रैम में नहीं होता है ठीक है आप लोगों का रोम में होता है रैम तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है राइट वॉलेटाइल में अगर रहेगा तो कंप्यूटर को एक बार ही पता रहेगा कि कैसे स्टार्ट होना है फिर जब भी कंप्यूटर का फिर से स्टार्ट करोगे उसको तो पता ही नहीं रहेगा कैसे स्टार्ट होना है अगर रैम में होगा तो क्योंकि रैम का डेटा तो चला जाता है एक बार वॉट आपकी सप्लाई ऑफ हो गई जैसे इलेक्ट्रिसिटी लेकिन रोम का डेटा रहता है रोम इज कंसिडर एज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट ठीक है राइट सो इट्स अंपल थिंग सो ये हो गया आपका बूटिंग के बारे में वॉट एल्स यू गाइज नीड टू नो इफ सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग बट नीड्स टू बी स्टार्ट इट इट कॉल्ड री बुट री बुटिंग ठीक है रीबूटिंग इज वॉट ऑलरेडी चल रहा है ठीक है लेकिन उसको री स्टार्ट करना है दैट इज रीबूटिंग रीबूटिंग मे बी रिक्वा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैज बिन इंस्टॉल अस्टम इज अनयूजअली स्लो कभी कभी फोन चलता नहीं है, हैंग करता है ठीक है कुछ भी नहीं आ रहा है नेटवर्क नहीं आ रहा है आ ही नहीं रहा पता नहीं ठीक है फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर दिया ठीक है सो वॉट यू डू आप उसको रीस्टार्ट कर दें दैट इज वॉट रीबूटिंग बोलिए ठीक है कभी कभी मान लीजिए आप लोगों ने कोई नया सॉफ्टवेयर डाला है कोई नई एप्लीकेशन डाली है ठीक है वो एप्लीकेशन आपको बोलती है तभी चलेगी जब तक आप लोग रीबूट करेंगे ठीक है तो आप उस केस में रीबूट करते हो सो बूटिंग रीबूटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट right? अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर को जो हम डेटा डेटा बोल रहे हैं ना कि कंप्यूटर इस तरह के डेटा के साथ डील करता है वो डेटा के टाइप्स क्या हैं ठीक है थीके? सो so, कंप्यूटर के डेटा को मेजरली हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं स्टूडेंट्स वो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आता है टेक्स फॉर्मेट का डेटा जैसे कि आप लोग लिखते हैं ना हाय हवा यू आप लोगों ने लिखा हाय हवा यू व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दे दूँ मैं व्हाट्सएप पर आप लोग चैटिंग करते हैं बहुत सारी चैटिंग में आप लोग लिखते हैं नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लिखते हैं ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में इंग्लिश में लिखा हिंदी में लिखा किसी भी तरह के किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा ठीक है मराठी पंजाबी किसी में भी लिख रहे हैं सब चीज़ें टेक्स्ट के अंदर आती हैं ठीक है थीके? किसी भी चीज़ को ले लीजिए सब टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा सो so वो सारे अल्फ़ाबेट सारे नंबर सारे सिम्बल्स सिम्बल्स क्या होते हैं जैसे कि डॉलर का साइन ये एंड परसेंट ये सारी चीज़ें आपके सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स में आ जाएंगे ठीक है सो वो सारी चीज़ें मिला के टोटल टू फिफ्टी सिक्स टोटल यूनिट मानी जाती हैं जिसमें आप लोगों के डिजिट भी आ गए अपर केस कैरेक्टर्स uh, भी आ गए अपर केस अल्फ़ाबेट्स यू मीन ठीक है आपका ए टू जेड ऊपर वाले मतलब कैपिटल्स में लिखते हो तो उसको अपर केस लेटर्स बोलते हैं ठीक है स्मॉल में लिखते हो तो आप उसको लोअर केस लेटर बोलते हैं अपर केस और लोअर केस आपको पता होने चाहिए ठीक है जो टर्म्स आप लोग यूज़ नहीं करते हैं प्लीज़ ये मत समझेगा मैं आप लोगों को कोई चीज़ गलत वो नहीं कर रही हूँ लेकिन ये जो टर्म है जैसे अपर केस है लोअर केस होते हैं ये स्टैंडर्ड टर्म्स है यही यूज़ करी जाती हैं सो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं आप उनको सीखने की कोशिश कीजिए क्योंकि पेपर में भी वही पूछी जाती हैं ठीक है राइट कैपिटल्स में लिखते हैं ये सारी चीज़ें टर्म्स ये नहीं यूज़ करी जाती कंप्यूटर मतलब हमारे पेपर्स में ठीक है सो अपर केस लेटर्स हो गए ये टर्म आप धीरे धीरे सीखें ठीक है जो भी टर्म्स होंगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जाननी चाहिए वो मैं डेफिनेटली यूज़ तो आप भी थोड़ा सा ओपन रहें टर्म्स को सीखने के लिए ठीक है लोअर केस ये स्मॉल वाले ठीक है ए टू जेड सो ये भी छब्बीस हो गए छब्बीस हो गए ऐसे काफी सारे सिंबल्स हैं एट द रेट हो गया परसेंटेज हो गया टोटल मिला के आप लोगों का वन नाइनटी फोर होता है ठीक है इसमें सारी चीज आ गई आप लोगों की सो ऐसे मिला के टोटल टू फिफ्टी सिक्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए जिनको बेसिकली कंप्यूटर में टेक्स्ट की फॉर्मेट में बांटा जाता है ठीक है राइट हाय हावई यू आपने लिखा है आपने टेक्स्ट दिया और इसके लिए आपके स्टैंडर्ड एक इनपुट यूनिट है दैट इज़ योर की राइट सो कीबोर्ड में अलग अलग तरह की कीज होती हैं जब हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे तब हम कीबोर्ड के बारे में डेफिनेटली डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है अभी तक के लिए आपको इतना ज़रूरत है कि टेक्स्ट को बेसिकली करने के लिए आप लोग बेसिकली कीबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ठीक है राइट right? चलिए नेक्स्ट होता है आपके पास में डेटा ग्राफिकल फॉर्मेट में सेम चीज है व्हाट्सएप पे फोटोज भेजते हैं आप अपने दोस्तों को ठीक है कि आज की फोटो जो है वो भेज दीजिएगा ठीक है सो दैट डेटा दैट इज ऑल्सो डेटा एक फोटो में बेसिकली आप खड़े हैं आपके दोस्त खड़े हैं ये भी तो किसी ना किसी तरह का डेटा है ना ये भी तो किसी ना किसी तरह का डेटा है सो so, ये अलग टाइप का डेटा है जिसको आप ग्राफिकल डेटा कह कहते हैं जिसमें कोई सी भी तरह का कलर आ सकता है ठीक है रेड ब्लू ज, आपका ग्रीन किसी भी तरह का कोई भी इमेज हुई कुछ भी फोटो हुई कोई भी शेप हुई ये ट्राइंगल है ये आप लोगों का स्क्वायर है पिक्चर हुई ड्राॅइंग हुई किसी भी तरह का आप लोगों का अगर डेटा है ये सभी टाइप का डेटा आपके ग्राफिकल फॉर्मेट का होता है ठीक है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज ग्राफिक्स अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए क्योंकि ये टर्म्स ही हैं ठीक है ठीके? क्योंकि ये चीज़ को अगर आप एनालाइज़ करते हैं कि स्टूडेंट्स को आते हुए भी वो, वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है किसकी क्वेश्चन की एंड क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपके जाननी ही पड़ेंगी ठीक है उसका कोई भी टू वे नहीं है कि ये टर्म मत पढ़ो ऐसे पढ़ लो ठीक है वो फिर आपको झूठ मूठ बोल रहे हैं ये टर्म जब तक आपको पता नहीं होंगे तब तक आप सक्सीड करने में थोड़ा सा पीछे रहेंगे ठीक है सो दूसरी टर्म होती है आपकी ग्राफिक्स देन तीसरे टाइप का डेटा होता है मल्टीमीडिया अब दोस्तों को तो हम गाना भी भेजते हैं दोस्तों को तो हम वीडियो बना के भेजते हैं अभी तक आपने टेक्स्ट बता दिया फोटोग्राफ्स बता दी वॉट अबाउट अ वीडियो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा व्हाट्सएप पे भेजा तो वो एक मल्टी मीडिया टाइप का डेटा है ठीक है आप लोगों ने कोई भी ऑडियो बनाया ऑडियो मैसेज भेजते हैं आप लोग रिकॉर्ड करके ठीक है वो सारा आपका मल्टी मीडिया टाइप का डेटा होता है सो so, मेजरली तीन टाइप में आप लोग डेटा को बांटेंगे टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड मल्टी मीडिया ठीक है Text, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यू जी सी नेट और किसी भी एग्जामिनेशन में ठीक है राइट ग्राफिक का काम या ज्यादा होने से क्या फायदा होगा वो बात बाद में करेंगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों के बारे में पढ़ेंगे टेक्निक्स पढ़ेंगे जैसे कंप्रेशन है ठीक है कंप्रेशन अगर आप इमेज के ऊपर लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है ठीक है राइट ओके डॉक फाइल में भी ग्राफिक फाइल सेंड करते हैं तो वो कौन सा फॉर्मेट है वो ग्राफिक फॉर्मेट ही होगा ना भेजी तो फोटो ही है भेजी तो फोटो ही है इंफॉर्मेशन तो फोटो की है ग्राफिक ही डेटा होगा राइट right? लेकिन वो अलग अलग फाइल रूप में फोटो भेजिए राइट देन वो जेपी जी इन्फॉर्मेशन रहती है डॉक फाइल इन्फॉर्मेशन रहती है दैट कैन वेरी वो जब हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अभी थोड़ा बेसिक्स से चल रहे हैं ठीक है थीके? तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लें अपने आप आपको ये सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे ठीक है लेट्स टॉक अबाउट टू डिफरेंट कंप्यू कॉम्पोनेट्स एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ठीक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज हार्डवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए राइट right? इसके लिए एक टेबल है मेरे पास आप लोगों के लिए टेबल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये अगर आपको पता है तो आई गेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बेसिकली क्लियर हो जाएगा चलिए बात करते हैं हार्डवेयर इज़ समथिंग दैट यू गाइस कैन टच ठीक है माहिरा जी बोल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस चीज़ की आप बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट ठीक है और किस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं बताइएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का कलेक्शन है उसमें किस चीज की आप बात कर रहे हैं बताइएगा सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों के घर में बेसिकली आपके बहन भाई होंगे ठीक है आपके बहन भाई को आप लोग देख सकते हैं वो फिजिकल फॉर्मेट में अवेलेबल है ठीक है वैसे ही कंप्यूटर की जो चीजें हैं जो आप लोग देख पाते हैं ना ऐसे लिटरली जैसे इस माइक को मैं देख सकती हूँ ये फिजिकल एक डिवाइस है ठीक है सो एवरी थिंग दैट इज प्रेजेंट इन द फिजिकल इन्वायरमेंट इज नोन एज हार्डवेयर फिजिकल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर ठीक है ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट ओके इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं आपके इनपुट डिवाइस होती हैं आउटपुट डिवाइस होती हैं वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं आप लोगों के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं जैसे कि पेन ड्राइव है पेन ड्राइव एक तरह का हार्ड ड्राइव है सॉरी हार्ड बेसिकली हार्ड हार्डवेयर है ठीक है राइट right? बट वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होती है ओके okay. सिंपल सी चीज इनपुट डिवाइस ये माइक जैसे इनपुट डिवाइस है ठीक है ये पेन जैसे इनपुट ले रहा है मेरा ठीक है ये दोनों इनपुट डिवाइस है दोनों को मैं देख सकती हूँ सो so, ये बेसिकली हार्डवेयर है ठीक है आउटपुट ये जो एक स्क्रीन दिख रही है जिसके ऊपर आउटपुट आ रहा है ठीक है ये आप लोगों का एक हार्डवेयर है देख पा रही हूँ ना टच कर पा रही हूँ उसको देख लीजिए ठीक है इंटरनल कॉम्पोनेंट भी होते हैं जैसे रैम है राम दिखती है रैम की चिप आती है ठीक है उसको आप देख सकते हैं अपने मदर बोर्ड पर ओके छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स ये सारी चीजें लगी होती हैं कभी अगर आप लोगों ने मदर बोर्ड को खोल को देखा है उसको एनालाइज करा तो उसमें अलग अलग तरह के हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं ठीक है सो so, वो सारी चीजें हार्डवेयर होगी हार्डवेयर इज समथिंग दैट इज टेंजेबल दैट इज कैन टच समथिंग दैट यू कैन टच इज नोन एज टेंजेबल ऑब्जेक्ट ये टर्म याद रखेगा टर्म ही आती है ठीक है अब जिसको आप छू सकते हैं ये कोई नहीं पूछता इतनी बेसिक हिंदी तो सबको आती होती है अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है कि आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए और टर्मिनोलॉजीज आपको आनी भी चाहिए अगर आपको अवेयर रहना है तो ठीक है सो थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिएगा ओके ओके मायरा जी लाइब्रेरी अटेंडेंट ठीक है फाइन uh, सर आपके सामने लाइव रहेंगे uh, एक uh, शायद कल आएंगे ठीक है राइट right? तो आप उनसे ये क्वेश्चन आप आप रख सकते हैं क्योंकि लाइब्रेरी साइंसेज के एक्सपर्ट हुए हैं तो उनको इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी ठीक है ओके okay? आप ये क्वेश्चन उनके सामने रख सकते हैं सो डेवलप्ड यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटीरियल्स इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल उसके अंदर काम में लिया जाता है और उसके के, उसी की हेल्प से बेसिकली इन सब चीज़ों को डेवलप किया गया जब आपका हार्डवेयर डैमेज हो जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है बैन डैमेज इट कैन बी रिप्लेस विद एन न्यू कॉम्पोनेंट बेसिकली रैम की चिप है और चिप खराब हो गई ना तो नया लेना पड़ेगी ठीक है उसका कोई और नहीं है ये अगर हार्डवेयर में इश्यू हो गया ना मान लीजिए मैंने इस माइक को बहुत जोर से गिरा दिया ठीक है तो इसका तार वगैरह टूट जाता है अगर कोई भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे नया खरीदना पड़ेगा ठीक है हार्डवेयर अगर डैमेज हो जाता है तो इट हैज टू बी रिप्लेस ठीक है और सम पार्ट ऑफ इट हैज़ टू बी रीप्लेस ठीक है सिंपल सी बात स्टार्ट फंक्शनिंग वंस दिस सॉफ्टवेयर इज लोडेड इन द इनटू द कंप्यूटर व्हाट वॉट डज इट मीन अल टेल यू ठीक है दर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन द माके देर इज अ की बोर्ड दर इज अउस माउस इज अ हार्डवेयर दर इज अ मोनिटर प्रिंटर हार्ड डेस्क सी पी यू रैम रोम ये सारे आपके हार्डवेयर की तरह ही होते हैं ठीक है रोम का भी बेसिकली uh, एक फिगर होता है दिखाऊंगी मैं इसके इमेज आपको रोम कैसे दिखती है ठीक है राइट ओके टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस जैसे कि ये तो हो गया हार्डवेयर क्या हो गया ये माइक अब इसको बेसिकली इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि मेरी आवाज इसको एज अ इनपुट लेनी है ठीक है राइट फ्रीक्वेंसी सेट है ये बेसिकली माई आवाज़ जा रही है कंप्यूटर के वहाँ पे, सो so, इसको so, कुछ ना कुछ तो समझाया होगा हमने राइट right? जैसे आप बच्चों को समझाते हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेना दैट इज़ इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव ठीक है सो so, इन हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी ये काम करते हैं वरना ये कुछ भी नहीं है ठीक है बिना इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं है अगर आपके फोन को यही नहीं पता है कि उसको चलना कैसे है उस फोन का क्या मतलब है यस और नो ठीक है सो बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फंक्शन नहीं करता है सिंपल सी चीज तो हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क कैसे काम करना है दैट इज इंस्ट्रक्शन ठीक है इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर भी अलग अलग तरीके के होते हैं मार्केट में दर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दर इज अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज वेल ये सारी बातें हम अभी अपकमिंग दो तीन सेशन में करने वाले हैं सारी चीज़ों के डिस्कशन धीरे धीरे करेंगे ठीक है दीज सॉफ्टवेयर आर नोन एज इनटेंजिबल सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते आप ठीक है अब कोई भी ये मैं सोचिएगा कि हम तो व्हाट्सएप को टच कर सकते हैं ठीक है फिजिकल फॉर्मेट में व्हाट्सएप दिखता है जैसे आपके भाई या बहन है उनको आप टच कर सकते हैं ये सोनो क्योंकि वो फिजिकल उसमें उपलब्ध है ठीक है राइट लेकिन आप व्हाट्सएप को टच नहीं करते हैं आप लोग व्हाट्सएप को बेसिकली यूज़ करते हैं ठीक है सिंपल सी चीज़ है व्हाट्सएप आपको दिखता थोड़ी ना फिजिकल फॉर्मेट में नहीं दिखता ना सो so, व्हाट्सएप एक तरह का सॉफ्टवेयर है सिंपल सी चीज़ डबलअ बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ प्रोग्राम लैंग्वेजेस जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलप किया जाता उनको code किया है उनको कोड किया जाता है ठीक है उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि आपको ऐसे 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 काम करना है सिंपल सी चीज़ अगर ये डैमेज हो जाते हैं मतलब व्हाट्सएप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रीइंस्टॉल कर लो व्हाट्सएप नहीं चल रहा ठीक है फोटो नहीं जा रही कुछ भी नहीं जा रहा बिल्कुल दिक्कत आ रही है ठीक है तो वट डू डू यू इट एंड यू री इंस्टॉल इड सिम्पल सी चीज़ ठीक है इसके लिए हमें कोई वो रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा व्हाट्सएप खरीदना पड़ेगा लेके आएंगे ठीक है यूटिलिटी सारी बात करेंगे तो एक ही क्लास में सब कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे ना ठीक है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए एक क्लास में सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉसिबल नहीं है और सारी चीजें आपको बेसिक आते हैं तो वेल एंड गुड ठीक है धीरे धीरे हम लोग वहां पे मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए हमारे पास में जिनको बेसिक सा कंप्यूटर सुनना है समझना है ठीक है शुड बी इंस्टॉल्ड इन टू द कंप्यूटर टू फंक्शन कंप्यूटर को काम करवाना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए जैसे एमएस वर्ड है एमएस वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर एक्सेल एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर एम एस एस क्यू एल जो कि आप लोगों का डेटा बेस है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर माई एस क्यू एल फोटोशॉप ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर पार्ट आते हैं ठीक है एक बार अगर आपको उसको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आप आप लोगों के मार्केट में हैं इनके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे कि हार्डवेयर के क्या टाइप हैं और सॉफ्टवेयर के क्या टाइप हैं अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ठीक है राइट सो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्स इनपुट दे प्रोसेस समथिंग दे गिव्स यू आउटपुट इनको आप इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टोरेज जैसे कि सीडी सीडी दिखती है उसको टच कर सकते हैं वो एक तरह का हार्डवेयर है ठीक है उसको हम लोग स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं डेफिनेटली गाने डाल लो कुछ भी डाल लो करने के लिए ठीक है एंड दीज हार्डवेयर्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर काम में आ सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो सकता है मल्टी हो सकते हैं है, अलग अलग तरह की चीज़ें ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे लास्ट कॉम्पोनेंट जो आज के सेक्शन का हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ठीक है सो हिस्ट्री के बारे में क्या बात करें सो so, पहले के ज़माने में जब हम लोग इवॉल्व कर रहे थे ठीक है जो पहले के जमाने में हम लोग इवॉल्व कर रहे थे पहले ही बात बताऊंगी स्टोन एरा के सिस्टम ठीक है जब हम लोग पत्थर से आग लगा रहे थे वो सारी चीज़ें ठीक है थीके? उस टाइम पे भी गड़ना करना थोड़ा बहुत शुरू हो गया था उस टाइम पे हम लोग स्टिक्स स्टिक बेसिकली आप लोगों की लकड़ियाँ ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे टू कैलकुलेट समथिंग ठीक है गणना करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए दीवारों पे लिख देते थे ठीक है दीवारों पे अभी भी आप अगर गुफाओं में जाओगे केव्स में जाओगे वहाँ पे बहुत सारा डेटा मिलता है उससे हम लोग थोड़ा सेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने ये लिखा होगा उन लोगों ने वो लिखा होगा ठीक है सिंपल सी चीज़ें ठीक है बट वो सारी चीज़ें एक तरह की उस गणना के लिए कोई टूल नहीं बनाया हमने मतलब स्टिक का इस्तेमाल करना कोई टूल नहीं है वो कोई कंप्यूटर नहीं है उसकी हेल्प से हम लोग गणना कर रहे हैं कौन सा एक टूल था जो सबसे पहले बना जिसकी वजह से हम लोग गणना कर पा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे सो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास में देखने को मिला हिस्ट्री में दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अबेकस इस तरह का कुछ लगता है इसमें बेसिकली स्टिक में मोती होते हैं जिनको आप इंग्लिश में बीड्स बोलते हैं ठीक है इन बीड्स को पर नीचे करके आप लोग गुणना करने की कोशिश करते हैं सो दिस डिवाइस इज इज नोन एज अबेकस अबेकस समथिंग दैट वी वर एबल टू सी सबसे पहले हिस्ट्री में ठीक है सो so, तीन हजार सालों पहले की बात है जापान एंड चाइना में इसका इस्तेमाल हुआ ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है भाई ठीक है यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन के बेसिक पे काम कर रहे हैं ठीक है अबेकस uh, की ज़्यादा डिटेल पर क्वेश्चन नहीं आते हैं कि अबेकस में ये पार्ट क्या है वो पार्ट क्या है ठीक है राइट इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते व्हाट एल्स वी नीड टू नो देन सेकंड है पर्सनालिटी का नाम है नेपियर्स ठीक है इन्होंने एक डिवाइस बनाई नेपियर्स बोन नेपियर बोन्स ठीक है समथिंग लाइक दिस सो इट लुक समथिंग लाइक दिस मैं आप लोगों को एक बार इमेज क्लियरली दिखा देती हूँ क्लियरली इमेज देख लीजिएगा ठीक है So, ये स्टिक है ये बेसिकली घूमती है इसको आप घुमा सकते हैं मैनुअली राइट इसको आप घुमा सकते हैं इससे आप लोग गणना करेंगे एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है ठीक है उसके बेसिस पे गणना करेंगे सो so, टाइम कौन सा है टाइम है 1617 का अभी हम कहा है 2023 में ठीक है 2023 में हम लोग आ चुके हैं 1617 की बात है आप लोग सोच सकते हैं कितने टाइम पुराने की बात है जॉन नेपियर ने इस डिवाइस को बनाया सो उनके नाम पे ही बनेगा नाम अगर मैंने कुछ बनाया तो मैं अपने नाम पे उस डिवाइस का नाम रखूंगी बेसिक सी बात है सो नेपियर्स बोन डिवाइस का नाम है इस डिवाइस से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे राइट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये सारी चीजें कर सकते थे आ, बहुत सारे टेक्निकल काम इससे नहीं होंगे स्क्वायर रूट निकाल दो अंडर रूट निकाल दो ये सारी चीजें काम नहीं हो पाएंगे ठीक है क्योंकि धीरे धीरे इवॉल्व होंगे ना पहले प्लस माइनस करेंगे फिर हमें लगेगा नहीं हमें यह भी करना है फिर हम वो भी करेंगे ठीक है आज जैसे हम लोग चार्ट जीपीटी पता नहीं कहाँ क्या 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 चैट बोट आ रहे हैं ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ठीक है लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पूरी पीपीटी ठीक है बन ना दे बस मैं सोच लो और वो बन जाए ठीक है अभी तक ये नहीं हुआ है राइट लेकिन कोई जमाना होगा तब वो भी हो जाएगा सारी चीज हो जाएंगी राइट सो so, अभी हम इवॉल्व कर रहे हैं इस टाइम से हम लोगों ने इवॉल्व करना शुरू करा कंप्यूटर के में ठीक है इंपॉर्टेंट चीज तो सेकेंड डिवाइस जो आपको जा, जानने की जरूरत है दैट इज नेपियर्स बोन्स वॉट एल्स तीसरी डिवाइस है आपके पास है पास्कलाइन ठीक है सो कोई भी डिवाइस अगर आप पढ़ रहे हो तो वो किसी ना किसी पर्सनालिटी के द्वारा बनाई गई होगी सिंपल सी चीज है है ठीक सो so, बनाई कौन से टाइम चीजें so, एक आध साल आपको प्लस माइनस मिल सकता है उसके लिए आप लोग घबराइएगा ठीक है right? राइट क्या बोल रहे हैं आ, क्लास की पीडीएफ डेफिनेटली मिल जाएगी ठीक है आपको हमारे एप्लीकेशन में क्लास की पीडीएफ डेफिनेटली मिल जाएगी ठीक है टारगेट अभी प्लेटफॉर्म पे ठीक है ओके सो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए सो का लाइन आपका दो चार आ, साल प्लस माइनस हो सकता है जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो पर्सनालिटी जिन्होंने बनाया अब तो वो दुनिया में नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली exactly किस टाइम पे बनाया सो so, किसी किसी बुक के रेफरेंसेज में थोड़े अलग साल हैं किसी किसी बुक के रेफरेंसेज में अलग साल हैं ठीक है सो so, एक आध साल आपका प्लस माइनस चल जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होती है सो so, 1645 की बात है बलायस पास्कल ने इन्होंने बनाया ये पर्सनैलिटी का नाम है दिस इज नोन एज अ एडिंग मशीन ठीक है डिवाइस लुक्स लाइक दिस ठीक है जैसे कि हमारे पास घड़ी के पीछे बेसिकली जो सर्कल्स होते हैं ठीक है इनको बोलते हैं आपके पास में ऑडोमीटर एंड मिलोमीटर ठीक है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे यूज करी गई थी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग ऑडोमीटर एंड आप लोगों का मिलोमीटर कहाँ पे यूज़ करा गया ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब ध्यान रखेंगे कहाँ पे करा गया ओके सो इन टर्म्स को बेसिकली आपके पास लाइन में यूज करा गया टेक्निकलिटी में पास लाइन कैसे एग्जैक्टली exactly काम करता है ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता और मैं भी आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगी कि आप लोग बिल्कुल ही एकदम डेप्थ में जा जाकर मतलब एक डिवाइस के बारे में घंटों घंटों पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास पढ़ने के मैं आप लोगों को डेफिनेटली एडवाइस करूंगी कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करें वो आप जरूर सीखें ठीक है कि मान लीजिए व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन डस ठीक है ब्लॉकचेन करता क्या है कैसे क्या काम करता है पूरे आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ें ठीक है क्योंकि वो अभी की वॉल टेक्नोलॉजी इनके बारे में अगर आप बेसिक भी जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये प्री करसर्स हैं ये बेसिक्स हैं हमारे पास में ठीक है राइट मैराथन ले लीजिए मैम यू जी नेट वन बिल्कुल लेंगे बिल्कुल लेंगे हमारे चैनल आप लोग विजिट कर ही रहे हैं टारगेट नेट जा रफ उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं ठीक है थीके? आपके यू नेट के बारे में ठीक है बिल्कुल ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं चलिए बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज जैकेट लूम अब अगेन जैकेट किसी ना किसी पर्सनालिटी का नाम होगा किन का नाम है जॉसफ जैकेट का आ, ये डिवाइस बनी आप लोगों के 1804 में यहाँ पे पंच कार्ड का इस्तेमाल करा ये डिवाइस कुछ इस तरीके से लगती है ठीक है बुनने के लिए काम लिया गया इस डिवाइस को लेकिन इसका मतलब कैलकुलेशन का इसे कंप्यूटर थोड़ी ना हो गया ये ठीक है अब आप लोग बोल सकते हैं बुनने के लिए कंप्यूटर क्यों हो सकता है राइट एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग फॉर गणना इज नोन एज कंप्यूटर ओनली ठीक है सिंपल सी चीज है यहाँ पे आप लोग गणना कर रहे हैं इसकी फोटो आराम से देखिएगा ठीक है ये जो चीज देख रही है ना आपको छोटी छोटी सी है इसमें बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे छेद ठीक है उन छेद में पैटर्न बने हुए हैं उन पैटर्न के हिसाब से गणना करके आप लोगों का कपड़ा तैयार किया जा रहा है ठीक है सो ये एक तरह का आपका कंप्यूटर की गणना की जा रही है ठीक है इन छोटे छोटे चीजों में ये जो बेसिकली आप लोगों का काम किया जा रहा है दिस थिंग्स आर नोन एज पंच कार्ड कोई पूछ सकता है कि पंच कार्ड किस तरह की कंप्यूटर डिवाइस में इस्तेमाल किया जाएगा आप लोग आंसर करेंगे जैकेट लूम जैकेट लूम कि बनाया जोसफ जैकेट ने बनाया कौन से साल में बनाया भाई इस साल में बनाया ठीक है पंच कार्ड आपकी पहली मेमोरी डिवाइस है ठीक है

देन हम लोग फिफ्थ uh, चीज़ पढ़ते हैं दैट इज़ चार्ल्स बेबेज इन पर्सनालिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा हमेशा सुना होगा और अगर नहीं सुना तो प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा होमवर्क मैं आपको डेफिनेटली देती रहूँगी क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोग खुद कितना प्रैक्टिस करते हैं आप लोग खुद कितना चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो पंच कार्ड के बारे में जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया लेट्स टॉक अबाउट चार्ल्स बेबस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन दी कंप्यूटर वर्ल्ड दैट्स वाई दिस पर्सनालिटी इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर ठीक है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिनकी वजह से कंप्यूटर की दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया पूरा का पूरा, पूरा क्रांति आ गई ठीक है सो दिस डिवाइस इज नोन एज आप लोगों का दो तरह के इंजन उन्होंने बनाए ठीक है राइट एनालिटिकल इंजन वॉज वन ऑफ दिस थिंग ठीक है सो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनालिटिकल इंजन किस उन्होंने बनाया सो so आप लोगों का वो चार्ल्स बेबज ने बनाया इनका ए रहा था नाइनटीन से लेके एटी ठीक है सो एटीन ट्वेंटी में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया दिस इज थिंग इज नोन एज डिफरेंस इंजन पहला आप लोगों का डिफरेंस इंजन है पहली इमेज एंड द जो सेकेंड

ऑलरे ठीक right, है इन्होंने काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट करे हैं काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बताया है ठीक है तो इनका एरा था 1860 से लेकर 1929, 1890 में पंच कार्ड में सेंसिस के बारे में बताया 1896 में टैबुलेटिंग मशीन कंपनी इन्होंने बनाई ठीक है नाइनटीन में कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी सी जिसको बोलते हैं नाइनटीन में आई ठीक है आईबीएम जो आप लोगों का आज भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है और कंप्यूटर की दुनिया में आईबीएम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये सब बेसिकली हॉलरथ हॉलरिच की वजह से पॉसिबल हो पाया है ठीक है सो ये छठी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था सो so, आज हमने बिल्कुल बेसिक्स देखे हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर क्या है किस तरह पे काम करता है क्या क्या जॉब हम लोग कंप्यूटर को देते हैं सीपी का क्या काम है क्या काम नहीं है ठीक है धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आप लोगों के डिवाइजिस के ऊपर जैसे कि ठीक है राइट जैसे कि आप लोगों का कंप्यूटर में हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हो गए क्योंकि ये जो टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में तो गौरव जी पहले भी बताया था ना मैंने पहले बता था राइट एग्जैक्ट वर्ड आईपीओ नहीं यूज़ करा होगा लेकिन ये आपको मैंने बताया था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वाली चीज़ों के बारे में राइट right? सो so वो वही है कि कितना अपन ध्यान से सुन रहे हैं वो चीज़ों के ऊपर आ जाती है बात राइट right? और इनपुट करता है प्रोसेसिंग करता है आउटपुट करता है तो बेसिक काम ही है अपना कंप्यूटर का कोई दिक्कत नहीं है right? राइट राइट right. चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में और डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे ठीक है इनपुट डिवाइस को इनपुट डिवाइसेज क्यों बोलते हैं सीधे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है इनमें से कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं बेसिक क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन सीधे पता होना चाहिए कैसी कौन सी डिवाइस काम करती है मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिनके बारे में जिनके बारे में कैसे क्या काम करता कर है कैसे डिवाइस पूरा रीड करिए डेटा ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे बेसिकली उनके बारे में बात करेंगे ठीक है right? राइट धीरे धीरे सब सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं दी, ठीक है धीरे धीरे सब सीखेंगे आज हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ बन देख लिया है आज के बेसिकली सेशन uh, से Uh, कम से कम पंद्रह से बीस क्वेश्चन ठीक है आप लोगों के प्रिपेयर होते हैं ठीक है सो पंद्रह से बीस क्वेश्चन आज के सेशन से प्रिपेयर होते हैं जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं भी वो आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे कि ऐसे इसको ऐसे पढ़ना है ठीक है सो उसी तरीके से आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी और एक्यूरेसी बहुत आई होगी अगर वैसा क्वेश्चन आपको मिलता है आप आराम से आंसर करके और आराम से अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आई गेस दो क्लासेस के बाद में आप लोगों का या फिर थर्ड क्लास में देखते हैं ठीक है जब भी बनता है थोड़ा सा कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे चीज़ें बनी ठीक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग पहले पढ़ेंगे उन सब के बारे में केवी एस का रिजल्ट की अपडेट अभी तो नहीं है ठीक है आंसर की नहीं आई है राइट जो भी अपडेट आएगी वो डेफिनेटली हमारे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बता दी जाएगी तो स्टे अपडेटेड फॉर दैट एज वेल आप लोग रेगुलरली प्लेटफॉर्म को विजिट करती करते रहिएगा ठीक है थीके? और जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों के किसी भी एग्जामिनेशन के प्रपेर प्रिपरेशन कर रहे हैं इन्फॉर्म स्पेशली आई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है थीके? क्योंकि अभी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं आप लोगों के जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है उनको जरूर रेफर कीजिएगा उन सभी की अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस पर्टिकुलर सेशन से पर्टिकुलर सीरीज़ ठीक है सो so, मिलते हो मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एंटिल देन टेक केयर हैव अ गुड नाइट ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी थैंक यू